अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स हैं, बट उससे पहले मैं कुछ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। सारे वो लोग जो इस टाइम यूएई में या कैंसिल वीज़ा पे, कैंसिल पे तो होंगे नहीं, जो विजिट वीज़ा पे हैं वो प्लीज़ हमें इस टाइम कॉन्टैक्ट ना करें। हमारे पास कोई जॉब्स नहीं है और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन क्रिएटेड है। मेरे हिसाब से मुझे फिगर्स को तो पता नहीं, लेकिन लोग ज़्यादा हैं और जॉब्स या हैं नहीं या बहुत लिमिटेड हैं। और स्पेशली फिर पाकिस्तानी क्लाइंट्स या पाकिस्तानी नेशनल्स की बात की जाए तो वो इधर उधर दर बदर हो रहे हैं। और हम भी बड़े मुश्किल से, जो हमारे लोग नवंबर दिसंबर के गए हुए हैं, उनको बड़े मुश्किल से अभी कहीं ना कहीं पे या रिटर्न करा रहे हैं तो या उनको कहीं ना कहीं पे प्लेस कर रहे हैं मुश्किल से, और है भी टोटल गिनती में 3 या 4 लोग। और ये काम कब तक चलता रहेगा, ये एटलीस्ट मतलब मई के बाद, ईद के बाद, मतलब आप इसकी सिचुएशन अगर आपने हमसे कोई सर्विस लेनी होगी तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ईद के बाद, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी सारे लोग जाएंगे, जो जो 3 मंथ्स पे गए हुए हैं या 1 मंथ पे, उनके वीज़ा एक्सपायर होंगे तो ऑफकोर्स एग्जिट करेंगे या वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, वो स्टे हो गए, तो तब कोई मार्केट की सिचुएशन अगर होगी तो हम उस पर विजिट टू एम्प्लॉयमेंट पर देखेंगे। लेकिन स्टिल हम कोई काम नहीं कर रहे, ना हम किसी को भेज रहे हैं, ना कोई अगर वहाँ पर है उसको डील कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड की हमारे पास डिमांड है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ओके। और उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप सुन लें, ठीक है। इसकी सैलरी आपकी होगी 1800 to 2200, डिपेंड करता है आप किस प्रोफाइल के और कितने ड्यूटी करते हैं कैंडिडेट हैं। 18 years to 35 years old आपकी एज होनी चाहिए, मतलब आपकी एटलीस्ट एज 18 years होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 years होनी चाहिए, तब आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और एजुकेशन जो है वो आपकी या एफ ए हो या बी ए ग्रेजुएशन हो, अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाइट आपकी 5.7 होनी चाहिए, एटलीस्ट 5.7 से ऊपर है, ज़्यादा है तो अच्छी बात है। और इंग्लिश की जो स्किल्स हैं वो आपकी रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि सिक्योरिटी गार्ड का, जिन लोगों को नहीं पता उनके नॉलेज के लिए, कि जब आपकी ड्यूटी होती है तो आपकी एक छोटी सी बुकलेट दी जाती है, किसी भी ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है। उसमें आपने डेली के या कुछ स्पेसिफिक डेज की एक्टिविटीज़ मेंशन करनी होती है कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अगर कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट होता है तो उसका मेंशन करना होता है उस डायरी में। वो जब आपका सुपरवाइज़र आता है, पेट्रोलिंग ऑफिसर, वो फिर उस डायरी को चेक करता है क्रॉस, और कुछ फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह पे आपने कुछ डेट्स वगैरह लिखनी होती है, इंस्पेक्शन का कुछ लिखना होता है, तो मतलब राइटिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको रीडिंग, जो पढ़ा हुआ है इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है उसको आप पढ़ सको, रीड कर सको, और उसके साथ साथ इंग्लिश, किसी ने पूछ लिया मतलब आपसे, अब पेट्रोलिंग सुपरवाइज़र आपका अरबिक है, उसने इंग्लिश में आपसे कुछ पूछ लिया तो आपकी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको स्पीक करके बोल के बता सको। ग्रामेटिकली आप बेशक करेक्ट ना भी हो, लेकिन आपको कुछ वर्ड्स आने चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये 3 फीचर्स इंग्लिश के आपके अच्छे होने चाहिए, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। एवरेज से कम भी हो लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ड्यूटी का बता देते हैं। 12 घंटे इसकी ड्यूटी रहती है, जो आपकी 1800 से 2200 सैलरी बनेगी, और वीकली इसमें कोई ऑफ नहीं रहता। अगर आप कोई ऑफ लेते हैं तो ये 2200 में से थोड़े बहुत मतलब पैसे कम हो जाते हैं। और स्टैंडिंग ड्यूटी होती है, तो ऐसा बंदा जो फिजिकली भी फिट हो और मॉरली और एथिकली भी फिट हो वो इस काम में जा सकता है। और एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, फूड आपको खुद करेगा, और 1800 से 2200 दिरहम सैलरी जो है, इसमें से आप एवरेज ये लगा लें कि आपको फूड का, अगर आप शेयरिंग में खाते हैं, ज़्यादातर लोग शेयरिंग में खाते हैं, या अगर आप रेस्टोरेंट के साथ ठेका भी लगाते हैं तो आपका फूड का 200 से 300 दिरहम का मैक्सिमम कॉस्ट है, ये आपने खुद करना है, ये 2200 से हट के मतलब 2200 में से आपने ख़र्चा करना है। बाकी अकोमोडेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और ट्रांसपोर्ट ये नहीं कि आप घूमते फिरते फ्री में रहोगे, वर्क प्लेस से एकोमोडेशन तक और एकोमोडेशन से वर्क प्लेस तक आपकी जो ट्रांसपोर्ट है, पिक एंड ड्रॉप जिसको बोलते हैं, वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। ओके जी, अगर आप समझते हैं कि आप इसमें से, और ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान से पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए, ये नहीं कि विजिट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको वर्क परमिट कन्वर्ट करके मिलेगा, तो ये इसमें अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो, हाँ, इसका खर्चा मैं साथ में बता दूँ, इसमें आपको वीज़ा टिकट प्रोटेक्टर जो है वो 3,75,000 में आपको मिलेगा, वीज़ा टिकट प्रोटेक्टर। तो इसमें अगर कोई इंटरेस्टेड है वो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर गिवन है उस पर आप हमें CV भेजें, और CV के अंदर आपका व्हाट्सअप नंबर होना चाहिए कि आपको फिर जूम पे कॉल करके आपको
चीज़ें डिस्कस की जा सकें। और जूम पे आप तब कॉल कर सकते हो जब आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमारे थ्रू अपडेट किया जाएगा कि जी आप सेलेक्ट हो गए, आप इसी टाइम में इसी डेट को जूम पे आप इंस्टॉल करें और उसका आपकी इंटरव्यू की सिलेक्शन होगी उस इंटरव्यू के बाद। और व्हाट्सएप नंबर है 0333-997-289। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर से हमें व्हाट्सएप करें तो +92 या 0092-333-997-289 उस पर आप हमें CV भेजने हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और वीडियो पसंद करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोग भी अच्छा कंटेंट क्रिएट करने का। तो मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।